अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल टेस्ट विद हिना इकराम। आज मैं शेयर करूंगी बर्गर, चिकन ग्रिल बर्गर, और एक वेज एक नॉन वेज। तो ध्यान से देखिए, इस तरीके से मैंने ये चिकन के ब्रेस्ट पीस लिए हैं। इसको एकदम स्लाइस में, पतला पतला एकदम स्लाइस में कट कर लेंगे। आपके पास अगर कोई हैमर है तो आप उसकी हेल्प से भी इसको फ्लैट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास हैमर नहीं है, तो मैं घर में ही नाइफ से इसको एकदम फ्लैट में कट कर लूँगी। एकदम पतले पतले पीस रहते हैं ना, उस तरीके से फ्लैट पीस हम कट कर लेंगे, बना लेंगे। उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करके हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, उसके बाद रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टेबल स्पून, मैं यहाँ ऐड करूँगी मैदा रिफाइंड फ्लावर, 1 टेबल स्पून में यहाँ ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर, वाइट पेपर पाउडर, अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबको अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से इसको आपको मिक्स करना है कि एक एक चिकन के पीस पे मसाला अच्छे से कोटिंग हो जाए। उसके बाद यहाँ एग यूज़ करेंगे। एग आपको स्किप करना चाहे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एक अच्छी बाइंडिंग हो जाती है चिकन की। पिंच ऑफ फूड कलर, येलो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, जो भी आपकी चॉइस हो। अब यहाँ मैरिनेशन का प्रोसेस मेरा हो गया है, हाफ एन आवर बाद मैं यहाँ ग्रिल करने रख रही हूँ। ग्रिल पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड के बाद आप एक एक पीस इसको उठाएं और ग्रिल पैन में ट्रांसफ़र करें। तो इस तरीके से आप एक पीस उठाएं और ग्रिल पैन में ट्रांसफ़र कर दें। अच्छे से आप 15 मिनट्स एक साइड से इसको कुक करें, 15 मिनट्स टर्न करते हुए दूसरी साइड से इसको कुक करें। तो ये बहुत अच्छा सा टेंडर सा जूसी सा ये चिकन आपका रेडी होगा। कुकिंग प्रोसेस एकदम अच्छे से करनी है, क्योंकि ये ब्रेस्ट पीस है तो थोड़ा मतलब टाइट सा रहता है, तो अंदर से कच्चा भी रह सकता है। तो आप 15 मिनट्स एक साइड इसको दें, 15 मिनट दूसरे साइड इसको दें। ये देखिए कितना अच्छे से ये ग्रिल हुआ है और बहुत अच्छे से ग्रिल मार्क्स भी इस पर आ गए। आप बर्गर बन लेंगे, तब तक हमारा वो ग्रिल होता है, बर्गर बन लेंगे, उस पर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। बर्गर बन को बीच में स्लाइस में कट कर लेंगे इस तरीके से 2 पार्ट्स में। अब इस पर केचप ऐड करेंगे, टोमेटो केचप के बाद इस पर मैं ऐड करूँगी चिपोटले सॉस। ये आपके किसी भी मार्केट में इजली मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिले तो आप इसमें आता है पिज़्ज़ा सॉस, वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मायोनीज में थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर और टोमेटो केचप भी डाल के उसको मिक्स करके वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये चिपोटले सॉस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बर्गर का, एकदम जो आप खाते हो बर्गर किंग का, वो सब एकदम टेस्ट आपको इतना अच्छा सा आएगा। अब इसमें ऐड कर लेंगे यहाँ लेटस लीफ। लेटस लीफ नहीं है आपके पास तो आप इसमें पत्ता गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 स्लाइस किए हुए टमाटर, स्लाइस अनियन और ग्रिल चिकन रखेंगे। उसके बाद ऊपर से ऐड करेंगे स्लाइस चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे। वापस से इस पर सॉस लगाएंगे चिपोटले सॉस और बर्गर बन रखेंगे। तो ये तो हुआ वेज वाला, मतलब जो जिसको बच्चों को चाहिए ना, रहता है ना कि किसी को सब्ज़ी भी चाहिए बिना सब्ज़ी के, तो ये चिकन के साथ उसमें मैंने सब्ज़ी भी ऐड की है, टमाटर ये प्याज, और ये है विदाउट टमाटर और अनियन वाला। तो इसको सिर्फ रेड टमाटो केचप लगाया, चिपोटले सॉस, उसके बाद ग्रिल चिकन रखा, उसके बाद हम रखेंगे स्लाइस चीज़ स्लाइस रखेंगे। चीज़ स्लाइस के बाद मैं ऊपर से इसमें थोड़ा पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल करूँगी। तो यहाँ पहले ऐड करेंगे मायोनीज, ये वेज मायोनीज है। उसके बाद ऊपर से ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। और यहाँ मैं पूरा एक मील, प्रॉपर मील तैयार कर रही हूँ, तो बच्चों के लिए मैं फ्रेंच फ्राइज भी बना रही हूँ। और ये मेरे पास मैरिनेट का मसाला जो बचा था चिकन का, उसमें भी मैंने ये पोटैटो को अच्छे से मैरिनेट कर दिया। तो यहाँ ऐड किया है ये मैंने पेपरिका पाउडर। उसके बाद ऊपर से बर्गर बन रखेंगे
और इसको मैं ग्रिल जो जिसमें मैंने चिकन ग्रिल किया है वापस से 2 मिनट के लिए सिर्फ रख देंगे। इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मैं कभी भी अपने ये ग्रिल पैन की जो मसाला रहता है कभी इसको वॉश नहीं करती जब तक इसका रीयूज़ नहीं कर लूँ मैं। तो इससे ना जो भी चीज़ आप बनाओ उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए किस तरीके से हमारे इतने टेस्टी इतने यम्मी बर्गर घर में तैयार होते हैं और इतने मतलब कम पैसों में आप इतने अच्छे बर्गर घर में आप बना के रेडी करके अपने बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए और मौसम का भी इंजॉय कीजिए। यहाँ मुंबई में बारिश हो रही है, मॉनसून बहुत अच्छा है, तो बस इंजॉय कीजिए। ये फ्रेंच फ्राइज है, इसके ऊपर मैं पेरी पेरी मसाला भी स्प्रिंकल करूँगी। बस इंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, इंजॉय, अल्लाह हाफिज़, बाय। ये देखिए कितना यम्मी कितना टेम्पटिंग सा ये बर्गर आपका रेडी होता है। इतने कम पैसों में आप इतने अच्छे से बर्गर इतने सारे बना सकते हो। तो बस बाय।